हज़रत बी फातमा जोहरा कमेटी की जानिब से किए गए 10 रोजा मुहर्रम की तकरीर व नात ख्वानी के 10 दिनी आयोजन के आखिरी दिन भी तकरीर व लंगर किया गया। कार्यक्रम में भिलाई नगर विधायक देविंद यादव विशेष रूप से शामिल हुए। इस्लामिक नए साल मुहर्रम पर हर साल की तरह इस साल भी हजरत बीवी फातिमा जोहरा कमेटी की जानिब से 10 रोजा तकरीर सेक्टर 6 कम्युनिटी हॉल में आयोजित की गई। आलिमाओं ने यहां दास्ताने करबला बयां कर नात ख्वानी हर दिन की। वहीं समापन पर भी तकरीर व लंगर का एहतमाम यहां पर किया गया। यहां भिलाई नगर विधायक देविंद यादव विशेष रूप से शामिल हुए। अतिथि देवो भाव के तहत विधायक का जोशीला स्वागत कमेटी के द्वारा किया गया। शामिल बहनों को संबोधित करते हुए विधायक ने समिति की सराहना दिल से करी। आज आप लोगों के बीच में आया, बहुत सारी माताएं रोजे से लिए। मैं आपके जैसा कि माइक में दीदी कह रही थी, हमारे बेटे जैसे हैं देवेंद्र, हमारे विधायक आ रहे हैं हमारे बीच में। मैं आपको कहूंगा कि ये जो भाव आपका है, ये भाव हम लोगों का जिंदगी भर रहेगा और साल दर साल मजबूत होता रहेगा। इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी देवेंद्र की और देवेंद्र जिम्मेदारी को निभाएंगे। हमने शुरुआत की है, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, पिछले 4-4.5 सालों से भिलाई में मजबूती से काम करने का मौका मिला है। बदलाव हर 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 समाज में आपने देखा है। आने वाले समय में हमारी समिति की बहने मुस्लिम समुदाय की बहनों के लिए ज्यादा अवसर, स्वरोजगार से लेकर अन्य विषयों में ज्यादा अवसर ला सके, उनके पास ज्यादा व्यवसाय है। इसमें जो मेरा नैतिक कर्तव्य है उसका मैं पालन करूंगा। समिति की तरफ से मुझे कुछ विषयों पर मेरी जानकारी में डाला गया था, जैसे जो समिति की कार्य प्रणाली होती है उन कार्यों के लिए समिति को कोई एक न एक स्थान की जरूरत है जहाँ से वो अपना कामों का संचालन कर सके। उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है, कोई भवन हो सकता है, कोई डोम हो सकता है, कोई अन्य तरीके से हो सकते हैं। तो मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग इसको सुनिश्चित कर लेंगे कि समिति के पास जो कि बहनों के लिए काम करती हैं, इनके पास एक अपनी जगह हो, अपनी व्यवस्था हो, जहाँ से अपना संचालन की प्रक्रिया को बढ़ावा दें। आपको आज बीवी फातिमा जोहरा कमेटी की तरफ से जो मुहर्रम का तकरीरी प्रोग्राम किया जा रहा है, आज 6वां दिन है और आज हमारी कमेटी की तरफ से जो तकरीर बयान की गई उसके बाद में लोगों में हमने फातिहा के तौर पे लंगर और शरबत का एहतमाम किया था और जितनी आवाम आई हुई थी भिलाई दुर्ग की और कुसी पावर हाउस भिलाई से सभी बहुत काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे, सभी को हमने शरबत और खिचड़े के तौर पे शिरनी तकसीम की है। आज 6ठा दिन है। मैं भिलाई की सभी अपनी बहनों से गुजारिश करती हूँ कि कल भी आप लोग कसीर से कसीर तादाद में तशरीफ़ लाएँ और सवाब दारेन हासिल करें। हम लोग अपनी कमेटी की तरफ से जितने भी हज से अभी आए हैं लोग उनका इस्तकबाल करेंगे और एक दो कमेटियां हैं उनका इस्तकबाल करेंगे और आम लंगर है 9 तारीख। आम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आगे से आगे बढ़कर हमारे साथ जुड़ें और इस कमेटी को आगे बढ़ाएं और अपने कौम के लिए कुछ करें। 10 रोजा तकरीर का उद्देश्य यही है कि जितने भी लोग हैं उनको करबला के मैदान का जो भी है शहीद हुए हैं हमारे हसन रजुल्लाहा, हुसैन रजुल्लाहा और 72 शहीद जो इनके बारे में उनकी जानकारी उनको मिल सके, इस लिए हम लोग ये तकरीर करवा रहे हैं। बहरहाल इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।